पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोविड 19 संक्रमण और बचाव को लेकर 31 जून को जारी जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बुधवार को कोतवाली थाने में सामाजिक संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में RD1 फार्मूले के तहत दुकानें खोले जाने पर पहले दिन असमंजस की स्थिति देखने मिली थी। शहर के व्यापारियों ने इस फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया था। वही सभी प्रकार की दुकानें खुलने से प्रशासन की नई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही थी। इसी को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव और तहसीलदार रामबाबू देवांगन के द्वारा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से थाने में चर्चा की गई। बैठक में भी RD1 फार्मूले के तहत व्यापार करने से लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि इस दौरान दुकानों में सोशल डिस्टेंस और मास्क का अनिवार्य तौर पर पालन कराने के साथ ही दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ न उमड़े इस हेतु गोले लगाए जाने और दुकान के सामने पॉलीथीन लगाकर कोरोना से बचाव के उपायों पर सभी ने सहमति जताई। यानी कि अब नगर में बाजार खुलने का समय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही होगा। आपको बता दें कि जिले में कोविड संक्रमण की पॉजिटिविटी दर काफ़ी कम हो गई है। रोजाना 3 से 4 मामले ही अब सामने आ रहे हैं। वही क्षेत्रीय अस्पतालों में अब कोविड के मरीज इक्का दुक्का भी देखने मिल रहे हैं। जिला मुख्यालय में इस समय 200 से अधिक मरीज भर्ती है जिनका सतत उपचार जारी है। वही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके बाद से ही अनलॉक को लेकर प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। फिलहाल पहले चरण में 15 जून तक शहर को अनलॉक किया गया है। जो है शहर के सभी व्यापारी जो संगठन है उनकी, समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं इनकी और हमारे RMO साहब, डॉक्टर अंकेश अजवाडी साहब, इनके साथ तहसीलदार साहब, सबके साथ एक मीटिंग हमने रखी थी, जिसका उद्देश्य ये था कि आने वाले 15 जून तक जो गाइडलाइंस आई हैं कोविड की, उसका व्यापारियों के जनमानस के सहयोग से इम्प्लीमेंटेशन कराना और ये सुनिश्चित करना कि कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का जो आदेश है, इसका पालन किया जाए और जो समय सीमा निर्धारित की गई है अभी लॉकडाउन के लिए, उसका पालन किया जाए और ये सब जन सहयोग से हो, इसके संबंध में मीटिंग रखी गई। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ केवल 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच मृत अभिभावकों के बच्चों को ही दिया जा रहा है। जिले में बाल कल्याण योजना के दायरे में अब तक 18 बच्चे ही आए हैं। इनमें भी केवल 8 बच्चों को ही बाल कल्याण योजना के तहत आधिकारिक तौर पर लाभ मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोविड 19 बाल कल्याण योजना के तहत 1 मार्च 2021 से 30 जून के बीच अनाथ हुए हर बच्चे को प्रतिमाह 5,000 रुपये देना शुरू कर दिया है। इसमें शर्त यह है कि या तो इस अवधि में माता पिता दोनों की मौत हुई हो या दोनों में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी हो और दूसरे की मृत्यु इस अवधि में हुई हो। भले ही यह मौत कोविड से नहीं हुई हो तो भी ऐसे अनाथ बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। महिला बाल विकास अधिकारी लीना चौधरी ने बताया कि अब तक कुल 18 प्रकरण राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इनमें से 16 मई को 8 प्रकरण भेजे गए थे जिन्हें योजना का लाभ भी मिल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कोविड के दौर में ही अनाथ हुए बच्चों के लिए एक जैसी योजना क्यों नहीं बनाई गई। 1 मार्च से पहले मृत लोगों के बच्चों के लिए सिर्फ 2,000 रुपये प्रतिमाह और इसके बाद मृत लोगों के बच्चों के लिए 5,000 प्रतिमाह देने और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करना योजना में विसंगति को उजागर कर रहा है। बालाघाट जिले में कितने प्रकरण तैयार हुए और कितने प्रकरणों को इसमें लाभान्वित किया गया है? मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना
लगता नहीं मैडम कि जिस हिसाब से बालाघाट जिले में कोरोना कोविड की जो गार्जियंस की बड़ी तादाद में मौतों की संख्या प्रकरण कम आए हैं, इसके ऊपर किस तरह से सर्वे इस समय चल रहा है और ऐसे अभिभावकों से क्या अपील करेंगे आप? तो अपील करना चाहेंगे आपके बहुत अच्छी योजना है शासन की कंडीशन विद्या बालन की मशहूर फिल्म शेरनी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में विद्या को एक अनोखे अवतार में देखा गया है जिसमें वह एक वन अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर बालाघाट में विद्या बालन के प्रशंसकों में काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इस फिल्म की आधी से अधिक शूटिंग बालाघाट के घने जंगलों और रेंजर कॉलेज सहित पीजी कॉलेज में भी हुई है। फिल्म में विद्या बालन को जंगलों में अपने अभियान को पूरा करने के लिए घूमते हुए देखा गया है। ट्रेलर में काफ़ी सस्पेंस देखने मिला है। अभिनेत्री विद्या बालन कहीं पर भावुक तो कहीं पर भरपूर एक्शन में नजर आ रही है। गौरतलब है कि शेरनी फिल्म बालाघाट के लिए खास मायने रखती है। इसमें स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर मौका मिला है। पत्रकार से लेकर गांव के ग्रामीणों और अन्य प्रकार के थिएटर के कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है जिनके किरदार को लेकर भी लोगों में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। यह फिल्म 18 जून को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम की जाएगी। विद्या बालन के साथ सरस सक्सेना, विजयराज, मुकुल चड्डा, इला अरुण और कई स्टार्स भी इसमें शामिल है। वहीं बालाघाट से पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज भी इस फिल्म में विधायक के राइट हैंड की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में इंसान और वाइल्ड लाइफ के टकराव को पर्दे पर उकेरा गया है। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की CM शिवराज सिंह से बैठक के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री परमार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज भी शामिल हुए थे। कोरोना के हालातों पर चर्चा करते हुए परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी रद्द किया गया था, लेकिन रद्द हुई परीक्षाओं में छात्रों को नंबर कैसे दिए जाएंगे इसे लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई है। बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की बदली हुई दिनचर्या और व्याप्त समस्याओं पर चर्चा की। विधायक ने राजमा बैगा टोला में बैगा आदिवासियों के घर पहुंचकर लॉकडाउन के दौरान उनका जीवन किस दौर से गुजरा इस पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही शासन की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलने की शिकायत मिलने पर इस संबंध में शासन प्रशासन से चर्चा कर समाधान करने पर जोर दिया। इसी तरह विधायक संजय उइके ने गढ़ी क्षेत्र के नैनवा टोला सिजोरा के गाँव पहुँचकर वहाँ के लोगों से भी चर्चा की। लोगों ने रोजगार के साथ ही मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इसे लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में व्याप्त इन समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। बताया गया कि COVID-19 संक्रमण के बाद लॉकडाउन के चलते आदिवासियों के दैनिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इससे उन्हें जो समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसे लेकर राज्य की सरकार को अवगत कराते हुए लाभ दिलाए जाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की भी सलाह दी है। तुम्हारे सरपंच काम धाम अलग अलग बाहर निकालो यहाँ से बना के पीस के खाते हैं जी लकी साथ कर रहे हैं जी। अब आप लोग नहीं जुड़े दूसरे समूह वाले क्या कराते हैं उनका तो बहुत भगवान से उनका काम कभी नहीं देखता हूँ। बालाघाट में कोरोना वैक्सीन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब सामाजिक संगठन भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन को भरपूर सहयोग कर रहे हैं।
इसी का परिणाम है कि बुधवार को जिला प्रशासन और असाटी वैश्य महासभा के माध्यम से आयोजित शिविर में करीब 700 लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। शिविर में 18 प्लस से लेकर 45 और 60 प्लस के भी लोगों ने टीका लगवाया है। इस दौरान असाटी वैश्य महासभा की ओर से लोगों को अधिक से अधिक टीका लगवाए जाने की अपील की गई थी। साथ ही सीनियर सिटीजनों के वैक्सीनेट होते ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। श्री असाटी ने बताया कि समाज के द्वारा प्रशासन के सहयोग से आज महावीर भवन में शिविर आयोजित किया गया था। समाचार लिखे जाने तक करीब 700 लोगों का वैक्सीनेशन होने की जानकारी दी गई है। वैक्सीकरण कैंप लगाने की परमिशन दी और यह सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाना कितना आवश्यक है। वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है, यही एक उपाय है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। और कोरोना जैसे हमने विगत 2 महीने में अपने कितनों को खोया है, इसका भी आभास लगाकर हम लोगों को वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है। महावीर भवन में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए और जो शहर के अन्य लोग हैं और दुकानों पर कार्य करने वाले लोग हैं, जो हमारा मजदूर वर्ग है जो कि महावीर भवन के आसपास बैठा था, इन सभी के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। लोग बड़ी उत्सुकता से आ रहे हैं और अभी तक सुबह से 100 वैक्सीन लग चुके हैं, 100 लोगों ने वैक्सीन अपना लगवाया है और बाकी लोग भी आते जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी से अपील करता हूँ, कृपया शीघ्र से शीघ्र आएँ और वैक्सीन जरूर।